हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए से वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो बजरंग इंसान में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाया हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक है ब्यूटी, मतलब फेस के लिए मैं लाया हूँ, जो कि इस नेचुरल टिप्स है जो कि आप घर पे कर सकते हो। इसमें पैसा भी नहीं लगा, बिना पैसे का आप इसको कर सकते हैं और अपनी चेहरों को ग्लोइंग कर सकते हो। और आपका चेहरा में दाग धब्बे, चेहरा गोरा भी होता है इससे। ये मैं खुद यूज़ करता हूँ और बहुत ही ये यूनिक है और बहुत ही अच्छा मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। आपको को एक रुपया भी नहीं लगेगा, एक रुपया लगेगा भी नहीं। और इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं खुद यूज़ करता हूँ और मैं आज यूज़ करके खुद मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। अगर तो करना क्या है आपको, तो मैं वीडियो में बता ही दूंगा, ठीक है। तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपका फेस जो है ग्लोइंग करने लगेगा, चेहरे के दाग धब्बे भी धीरे धीरे जाने लगेंगे, चेहरा गोरा होने लगेगा। मैं 100% लिख के देता हूँ क्योंकि ये मैं यूज़ खुद करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो क्या टिप्स है, वो क्या ट्रिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप करना क्या है, चाय बनाती हो। यहाँ पे देखो मेरा चाय रेडी हो चुका है। अब इसको मैं चाय बन गया है, मैं रेडी हो चुका है। तो दूसरा स्टेप क्या करना है, यहाँ पे दूसरा स्टेप चाय छान के उसके बाद चाय पत्ती यहाँ पे अलग से रख लेना है और चाय को अलग छान लेना है। चाय अलग अलग ही छाना जाता है, मतलब सॉरी। और यहाँ पे रख के उसके बाद तीसरा स्टेप इसको आटे की तरह गूंदना है। जैसे आटे को गूंदते हैं ना, पूरा उसको एकदम मेल्ट करना है, पूरा मिला लेना है अच्छे से आटे की तरह, जैसे आटे गूंदते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा बनके बैटर तैयार हो चुका है। ये तैयार हो चुका है फेस पे लगाने के लिए। अच्छा से मैंने इसको गूंद लिया है। अब यहाँ पे चौथा स्टेप आता है, यहाँ पे अब मैं लगाने वाला हूँ। देखिए कैसे लगाता हूँ मैं, प्रॉपर तरीका से मैं ऐड करके अच्छे से मैं लगाऊंगा इसको। और ये मैं रोज लगाता हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही फायदेमंद है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इससे चेहरे का दाग धब्बा और कालापन जो है सारा दूर हो जाएगा, ग्लोइंग करने लगता है चेहरा। मैं डेली लगाता हूँ चाय, जैसे डेली चाय पीता हूँ तो डेली चाय पत्ती मैं रोज ही लगा लेता हूँ। यहाँ पे अच्छे तरह से इसको रगड़ना है, अच्छे से डन हो गया। यहाँ पे अच्छे से लगा के और 15 से 20 मिनट आपकी जितनी मर्जी, 10 मिनट 15 मिनट रख सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने धो के आया हूँ, कितना ग्लोइंग, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगने लगता है। तो यही करना है, बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही यूनिक है ना, ये कोई नहीं बताया होगा। और आप लोग चाय पत्ती वेस्ट कर देते हो, तो आप लोग चाय पत्ती का ये बेस्ट उपाय आप लोग कर सकते हो। मैं डेली लगाता हूँ, रोज़ मैं लगाता हूँ, चाय बनाता हूँ, चाय पत्ती को फेंकता नहीं हूँ, मैं उसको रख के उसको ठंडा करके 10 मिनट तक, उसके बाद उसको थोड़ा आटे की तरह गूंद के उसके बाद फेस पे अच्छे से मलता हूँ 10 मिनट तक, 15-20 मिनट तक छोड़ देना, आपको जितना मर्जी छोड़ देना। अच्छा से अगर मतलब सूख जाए, मतलब ड्राई हो जाए, तो उसके बाद आप धो लीजिए। उसके बाद चमत्कार देखिए, बहुत ही अच्छा आपको फेस पे ग्लोइंग लगेगा, आपको अपने आप आपको देखने को मिलेगा कि आपके फेस में जो है वो सारे दाग धब्बे धीरे धीरे, कालापन जो होता है वो सारा हट जा, धीरे धीरे हटने लगेगा। ये आप लोग करके देखिए, ये बेस्ट उपाय है, कोई नहीं बताएगा। आप लोग ये वेस्ट मत कीजिएगा चाय पत्ती। आप लोग चाय बनाओ, चाय पत्ती का खाद भी बनता है, आप लोगों को पता नहीं है। चाय पत्ती को सूखा करके पौधे में दिया जाता है, पौधे को ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं फेस में यूज़ करता हूँ। मैं आज से नहीं, बहुत ही दिनों से मैं फेस में यूज़ करता हूँ। आप लोग मेरा एक मिनी ब्लॉग होगा, आप लोग देख सकते हो। मैंने एक ब्लॉग में बना के बोला हूँ कि आज मैंने मुंह में गोबर लगाया, वो गोबर नहीं था एक्चुअली में, वो चाय पत्ती का वही मैंने लिप लगा रखा था। कुछ नहीं मिलाना है, कुछ नहीं, बस चाय पत्ती जो आप चाय बना के छानते हो उसको अच्छे से छान के 10 मिनट ठंडा करके उसको आलू आटे की तरह मत के उसके बाद फेस पे अप्लाई करना है। 10-15 मिनट छोड़ के आपको जितना उसके बाद उसको धो लेना है, उसके बाद आपको खुद चमत्कार दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर से जरूर आप लोग रिप्लाई दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। बाय बाय।